हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल लखनऊ पिजन लॉफ्ट। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय चैनल लखनऊ पिजन लॉफ्ट। फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत ही पुराना हाई फ्लायर कबूतर था, देख रहे हैं आप लोग, लाखा कबूतर। फ्रेंड, परसों ये कबूतर मैंने शाम को उड़ाया था तो जो पतंग होती है उसकी डोर में फंस के कट के गिर गया था, मुझे देखा भी नहीं। और क्या कहते हैं, फिर मेरे पड़ोसी ने मुझे लाकर कबूतर दिया कि भाई आपका कबूतर गिर गया है डोर में फंस के। तो इसके देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी गहरे ज़ख्म हो गए थे। ये देखिए, एक यहाँ पे हो गया था और एक ये हो गया था। काफ़ी ज़्यादा कट हुआ था इसके, और क्या कहते हैं, जिसकी वजह से ये दाना पानी भी नहीं खा पा रहा था। और मैंने रात में इसको दाना पानी खिलाया और सुबह फिर जब देखा तो ये मर चुका था। काफ़ी अच्छा कबूतर था, काफ़ी पुराना कबूतर था और इसको मैंने लकवे से भी ठीक किया था और बिल्कुल परफेक्ट हो गया था ये, काफ़ी पुराना कबूतर था। सो फ्रेंड्स, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग पतंग उड़ाते हैं यार, शौक़ सभी का होता है, ठीक है भाई। मैं किसी का शौक़ नहीं मना करने के लिए मना कर रहा हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि आप लोगों को भी शौक़ है, मेरा अपना शौक़ है, तो ऐसे ही सबका शौक़ है। लेकिन भाई, जिस शौक़ में किसी की जान जाए वो कैसा शौक़ है, अच्छा शौक़ है या ख़राब शौक़ है, आप लोगों को खुद ही सोचना चाहिए। भाई अक्सर कितने सारे बर्ड कट जाते हैं डोर से फंस के, जिनका तो पता ही नहीं चलता है। मैंने इसके ट्रीटमेंट की करने की कोशिश करी, अगर हल्का फुल्का कटा होता तो ये बच जाता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्लीडिंग भी हो गई थी, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाया। जितने भी पतंग के शौकीन है, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई या तो इस तरह का मांझा यूज़ करें या तो कुछ ऐसी ट्रिक यूज़ करी जाए जिससे कबूतरों को, बर्ड्स को नुकसान ना हो। अक्सर काफ़ी सारे बर्ड जो होते हैं वो फंस कर मर जाते हैं, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो काफ़ी, देख सकते हैं आप लोग, मासूम बर्ड्स की जान चली जाएगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बारे में कुछ ना कुछ सोचें। मैं मना नहीं कर रहा कि आप लोग भी अपना शौक़ करें, बिल्कुल शौक़ करें, लेकिन थोड़ा एहतियात करके करें भाई, कि किसी की जान जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। बस मैं एक यही मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई इस बारे में सोचें, गौर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच।